सब्सक्राइब करें होममेड क्राफ्टिंग को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको शॉल बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। देखिए, ये मैंने ऊन ली है ग्रे कलर की और ये 9 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है। ये मैंने चंकी बूल ली है ओसवाल की, ये 3 प्लाई की बूल है। देखिए, ये है ओसवाल की चंकी बूल, 3 प्लाई है ये, 3 प्लाई की बूल। इससे मैं आपको शॉल बुनना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये नोट बांधती हूँ इस तरह से। देखिए, ये मैंने नोट बांधी है। नोट बांधने के बाद अब मैं इसमें 5 की चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4 और ये की 5। ये मैंने 5 की चेन बना ली है। 5 की चेन बनाने के बाद अब मैं इसको जोड़ती हूँ इस तरह से। देखिए, ये मैंने इसको जोड़ दिया है। देखिए, इस तरह से ये रिंग बन गई है। रिंग बनाने के बाद अब इसमें मैं 4 की चेन लूँगी। 1, 2, 3, 4। 4 की चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया डालूंगी मैं। देखिए, इस तरह से 1, 2 और ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर मैं 2 की चेन लूंगी और फिर 3 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, इस तरह से 1, 2 और ये 3। फिर मैं 1 की चेन लूंगी और फिर इसी के अंदर मैं एक और डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, इस तरह से। देखिए, मैंने इसमें 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। बीच में मैंने 6 डबल क्रोशिया डाले हैं और 2 की चेन, और इधर लास्ट में मैंने 1 की चेन और डबल क्रोशिया। इधर भी देखिए, इधर भी मैंने चेन बनाई है। इस तरह से ही बननी है। फिर देखिए, मैं 4 की चेन बनाऊंगी। देखिए, ये मैंने 4 की चेन बना ली है। 4 की चेन बनाने के बाद इसके अंदर ही मैं 3 डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए, ये जो मैंने डबल क्रोशिया बनाई थी इसके अंदर ही डालना है। देखिए, 1, 2 और ये 3। देखिए, इस तरह से। फिर मैं 1 की चेन लूंगी और यहाँ पर बीच में मैं 6 डबल क्रोशिया डालूंगी। 1, 2 और ये 3। फिर 2 की चेन और फिर इसी के अंदर और 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। ये 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 की चेन और फिर इसके अंदर डालने हैं 3 डबल क्रोशिया। 1, 2 और ये 3। फिर 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर ही ये डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए, चेन में डालनी है ये 1, 2, 3। 3 चेन में डालनी है लास्ट में डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से आ रहा है शॉल बनता हुआ। फिर मैं 4 की चेन लूँगी और 4 की चेन लेने के बाद फिर इसके अंदर ही मैं 3 डबल क्रोशिया डालूँगी। और ये 3। देखिए, यहां से भी डबल क्रोशिया बढ़ेंगे और यहां से भी। इसमें ये डबल क्रोशिया बढ़ रहे हैं साइड से भी और बीच से भी यहां से। फिर मैं 1 की चेन लूंगी और इसके अंदर ही डबल क्रोशिया डालूंगी 3 चेन के।
टू और ये थ्री, फिर मैं वन की चेन लूंगी, फिर सिक्स डबल क्रोशिया डालूंगी, मैंने इसमें डाल दी है सिक्स डबल क्रोशिया, फिर वन की चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, टू और ये थ्री, फिर वन की चेन और फिर इसमें लास्ट में डालना है थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन की चेन लेनी है और फिर एक और डबल क्रोशिया डालनी है यहाँ पर, देखिए इसमें थर्ड चेन में डालनी है वन टू थ्री, इसमें थ्री चेन में डालनी है ये डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, फिर मैं फोर की चेन लूँगी वन टू थ्री फोर, लास्ट में फोर की चेन ही लेना है यहाँ पर, फोर की चेन लेने के बाद फिर थ्री डबल क्रोशिया डालना है, देखिए इस तरह से, टू और ये थ्री, देखिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ रहे हैं और ये देखिए शॉल भी बढ़ता हुआ आ रहा है, देखिए फिर वन चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, फिर वन चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, देखिए इसमें डबल क्रोशिया बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह से ये सोल बढ़ता चला जाएगा ट्रायंगल सोल, देखिए इसमें डालना है बीच में सिक्स डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फिर टू की चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, देखिए बहुत ही इजी है इसको बनाना, फिर वन की चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन फिर थ्री डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से आ रहा है ये, फिर वन चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया, लास्ट में थ्री डबल क्रोशिया डालने हैं, टू और ये थ्री, फिर वन की चेन लेना है और डबल क्रोशिया डालना है, देखिए इस तरह से, फिर फोर की चेन लेनी है और फिर डबल क्रोशिया डालना है इसके अंदर, वन टू और ये थ्री, देखिए इस तरह से ही ये देखिए शॉल बनता हुआ आ रहा है, यहां से भी बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है, देखिए इस तरह से ही ये बनता हुआ आएगा ट्रायंगल में शॉल, आगे को इसी तरह से बढ़ता जाएगा, इसी तरह से ही बनना है, ये बहुत इजी है, फिर वन चेन और फिर थ्री डबल क्रोशिया,
ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया ही डालना है, 1 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 1 2 और ये 3, फिर 1 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर 6 डबल क्रोशिया, बीच में हमेशा 6 डबल क्रोशिया ही डालने हैं। 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। फिर 1 की चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। टू 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 की चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से देखिए 1 डबल क्रोशिया डालते हैं। देखिए अब कितनी जल्दी ये इतना बड़ा हो गया है, बढ़ते जा रहे हैं डबल क्रोशिया ट्रायंगल शेप में। इस तरह से देखिए अब मैंने ये इतना बना लिया है। देखिए इसी तरह से ही बनाया है मैंने। देखिए बनाते हुए इतना बड़ा कर लिया है मैंने। देखिए ये मैंने इसमें रो बनाई है, 37 रो बनाई है मैंने इसमें। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 37 रो। देखिए इसी तरह से ही बनाई है जैसे मैंने ये दिखाया था बनाकर। देखिए ये मैंने देखिए इसी तरह से ही बनाते हुए मैंने 37 रो बना ली है। अब आगे मैं नहीं बनाऊंगी, मैं 37 ही रो बनाऊंगी। देखिए टू 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर 1 की चेन, फिर देखिए लास्ट में भी 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। 1 2 और ये 3, फिर देखिए इसमें वो 1 चेन लेकर डालना है, 3rd चेन में वो इस तरह से और बुनना है डबल क्रोशिया। ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से आ गया है ये। ये मैंने लार्ज साइज बनाया है। इसकी मैं आपको लंबाई नाप कर बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी हो गई। देखिए इसकी साइड से लंबाई है शॉल की 44 इंच, और देखिए यहाँ से आगे से इसकी लंबाई है 66 इंच। ये दोनों की लंबाई मैंने बता दी है, और इसमें रो बनाई है मैंने 37 रो। देखिए अब साइड से इधर से मैं इसकी किनारी बुनूंगी
सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनूंगी इस तरह से। देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से मैं बुन रही हूँ। ये देखिए वन चेन लेकर और जब बुनना इसमें को देखिए इस तरह से ये बुन रही हूँ मैं। देखिए सिंगल क्रोशिया ही लेना है और इस तरह से बुनना है सिंगल क्रोशिया लेकर। अगले में भी सिंगल क्रोशिया, फिर इसी तरह से पूरे में सिंगल क्रोशिया ही बुनकर बनाना है इसका बॉर्डर। अब पूरी रो इसी तरह से ही बनाऊंगी मैं सिंगल क्रोशिया लेते हुए। देखिए इस तरह से मैं ये बॉर्डर बनाते हुए आ रही हूँ। देखिए अब देखिए मैं ये दूसरी साइड का बॉर्डर बनाऊंगी दूसरी साइड का। इधर से यहाँ से दूसरी साइड शुरू हो गई है ये। देखिए अब ये दूसरी साइड का भी बॉर्डर कंप्लीट होने वाला है। ये कंप्लीट होने वाला है देखिए इस तरह से। अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है दोनों साइडों का। अब देखिए मैं आगे से बॉर्डर बनाऊंगी। देखिए साइडों से बनाने के बाद ये मैं आगे से बॉर्डर बनाऊंगी इसका। देखिए अब मैं ये आगे का बॉर्डर बनाती हूँ। सबसे पहले मैं थ्री की चेन लूँगी। थ्री की चेन लेने के बाद अब इसमें डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से वन डबल क्रोशिया और एक ये टू डबल क्रोशिया। मैंने इसमें ये टू डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर देखिए अगले उसमें लेना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालकर इस तरह से। देखिए फिर मैं थ्री की चेन लूंगी और फिर टू डबल क्रोशिया डालूंगी। वन और एक ये टू। फिर मैं अगले में डालूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनता हुआ आएगा। देखिए इस तरह से किनारे इसकी। फिर मैं थ्री की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया वन देखिए टू। फिर अगले उसमें सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। टू और
चेन और फिर टू डबल क्रोशिया, वन वन और एक ये टू, नेकलेस में डालकर इस तरह से है इसको, और फिर थ्री की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री की चेन, टू डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी किनारी को, पूरे बॉर्डर को बनाना है। देखिए बहुत ही इजी है ये बॉर्डर बनाना, देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। तो पूरी रो मुझे इसी तरह से ही बनानी है। वन टू थ्री की चेन और फिर टू डबल क्रोशिया, वन और एक ये टू। फिर देखिए इसमें यहाँ पे इसको डालकर सिंगल क्रोशिया ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने, देखिए ये बॉर्डर आगे का कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आ गया है ये बॉर्डर, देखिए ये आगे से आया है बॉर्डर, देखिए इस तरह से मैंने आगे का पूरा बॉर्डर बना लिया है। साइड से मैंने सिंगल क्रोशिया लेते हुए बनाया है ये बॉर्डर दोनों साइड से, देखिए लेफ्ट और ये राइट, और ये फ्रंट आएगा हमारा शॉल का, आगे से डलेगा शोल्डर पे, देख इस तरह से आ गया है ये। अब देखिए मैं इसमें पोम-पोम लगाऊंगी साइड से, साइड से लगाना है पोम-पोम, देखिए यहाँ से इधर दोनों साइडों से लगाना है। देखिए शॉल में लगाने के लिए अब मैं ये पोम-पोम बनाती हूँ। देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ पोम-पोम, ये मैंने टू धागे लिए हैं और ये मैंने कार्डबोर्ड लिया है। देखिए इस तरह से दोनों धागों को बराबर कर कर इस तरह से, अब इसमें राउंड लगाने हैं। देखिए इस तरह से वन टू थ्री और ये फोर, मैंने इसमें फोर राउंड लगा लिए हैं। फोर राउंड लगाने के बाद इस तरह से इसको हम नीचे से कट कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा ये पोम पोम बन गया है। देखिए मैं, देखिए इसको शॉल में लगाती हूँ। देखिए इस तरह से लगाना है ये पोम पोम को, देखिए शॉल को उल्टा कर लें ये उल्टी साइड से, और इस तरह से लगाना है इसको। बराबर रखकर इसको लगाना है, बराबर कर लेते हैं इसको हम, बराबर करके ही लगाना है। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा ये पोम पोम अब ये लग गया है। देखिए इस तरह से ये इधर से सीधा आया है और ये देखिए उल्टी तरफ से है इधर से। हम दूसरा भी इसी तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से डबल करने के बाद इसमें लगाना है। देखिए देखिए ये मैंने ये दोनों पोम-पोम लगा दिए हैं। अब इसी तरह से ये सारे पोम-पोम लगाने हैं। डबल किया और फिर होल में को इस तरह से निकाला, निकालने के बाद फिर इस तरह से बराबर करके ही लगाना है कि जिससे कि छोटे बड़े नहीं हो। देखिए मैंने इसको टाइट कर दिया, और जो ये छोटे बड़े हो रहे हैं इनको इस तरह से हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये अब लगा दिए हैं। देखिए मैं अब लास्ट वाला लगा रही हूँ।
दोनों बराबर करके ही लगाना है, जिससे कि छोटे बड़े नहीं हो। देखिए इसमें को डाल कर लगाना है। देखिए इस तरह से इसको बांध देना है, इस तरह से। देखिए अब ये बंद गया है। देखिए इस तरह से ये बंद गया है, लास्ट वाला भी। अब ये मैंने पूरे बांध कर दोनों साइडों से कंप्लीट कर लिया है शॉल। देखिए देखिए अगर छोटे बड़े हों तो इनको कट कर दें। देखिए इस तरह से आ गया है। ये दोनों साइड हैं इधर की, और देखिए ये फ्रंट है यहाँ से। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है बनकर। ये देखिए इस तरह से आएगा ये। देखिए देखिए यहाँ से पहना जाएगा ये ऊपर से। देखिए और ये पॉम पॉम की दोनों साइडें रहेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।